अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, मैं आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। यह है मॉर्निंग का टाइम, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और मेरा बेटा स्कूल के लिए जा चुका है और मेरे हस्बैंड भी अपनी साइड के लिए निकल गए हैं। और ये देखें जेली, टैडी जेली जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, ये उसी ने रखी हैं यहाँ पर। और शायद ये इमली जेली हैं। कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे तो वो सूख चुके हैं, तो मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी और जो कपड़े प्रेस वाले होंगे उन्हें एक साइड पर कर दूँगी और जो जैकेट्स वगैरह हैं उन्हें भी फोल्ड करके एक साइड पर रख लूँगी। जब मैं ये सभी काम करती हूँ तो मैं कई बार पानी पी चुकी होती हूँ। इस बीच में मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत है बार बार, जो कि अच्छी आदत है। और अब मौसम भी गर्म होने लगा है तो मोटे कपड़े वगैरह की इतनी नीड नहीं है, तो जितने भी एक्स्ट्रा हमारे पहनने के मोटे कपड़े रखे हुए थे तो मैं उन्हें सबको एक साइड पे करके उन्हें उठाकर रख दूँगी। और ये सभी कपड़ों को आयरन करने के लिए एक साइड पर फोल्ड बना के रख दूँगी। तो ये एक जैकेट है जो मैंने, पतली सी जैकेट है जो मेरे हस्बैंड की, ये मैंने अभी रखी नहीं थी। बाकी के मैंने वुलन कपड़े रख दिए हैं। एक जर्सी मैंने अपने बेटे की बचाई हुई थी और एक मैंने अपनी बचा के रखी थी। और अब मैं इन्हें भी बॉक्स में डाल दूँगी। ये देखें, ये थोड़े से ही कपड़े मैंने बचा कर रखे थे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम सारे कपड़े रख देते हैं एकदम से, फिर से ठंड पड़ने लग जाती है और हमें फिर से कपड़े निकालने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से कपड़े बचा लिए थे कि पूरी तरह से जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी तब भी इन्हें रख दूँगी। और कल मैंने रूम की क्लीनिंग की थी तो मैंने गद्दे हटा के साफ़ नहीं किया था, तो मैट्रेस के नीचे काफ़ी सारी डस्ट जमा हो रखी थी। और कल मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था ये करने का, तो इसको मैं आज क्लीन कर रही हूँ। कल काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था क्लीनिंग में तो मेरा ये वाला काम छूट गया था। तो जी, ये काम भी हो गया है हमारा कंप्लीट। अब मैं वॉश करने लगी हूँ बर्तन। क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया था और लंच वगैरह मैंने बनाया था तो ये मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। और आज काफ़ी सारे मुझे कपड़े भी धोने थे जो कि मैंने बताया था आपको कि कल रह गए थे। कल मैंने आधे ही कपड़े वॉश किए थे। 3 से 4 बेड शीट्स थी और कपड़े भी थोड़े से फिर से इकट्ठा हो गए थे आज, तो मुझे बेड शीट्स के लिए मशीन ही लगानी पड़ेगी क्योंकि जो बेड शीट्स हैं वो काफ़ी मोटी हैं शेनील की, तो जब उनमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो काफ़ी भारी हो जाती हैं और धोने में वो मुश्किल हो जाता है उन्हें, तो इसलिए मैं मशीन ही लगाऊंगी आज भी उन्हें वॉश करने के लिए। और कल भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे तो ये सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लूँगी मैं और तब साथ में ही आयरन करूँगी सभी पे। और आयरन के कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि उसमें बेडशीट्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह, ये भी सभी चीज़ें मैं वॉश करती हूँ, तो आधे कपड़े आयरन के होते हैं और बाकी के जिन पे आयरन नहीं की जाती है। तो जी, मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, अब मैं लगी हूँ गैस को साफ़ करने के लिए। तो ये देखें, गैस भी हमारा क्लीन हो गया है। तो मुझे फिर से प्यास लगी थी और ये मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और ये मैं पास में ही आई थी, यहाँ पर सेल लगी हुई थी
कपड़ों की, जिसमें कि बच्चों के। जेंट्स जैकेट, जीन्स शर्ट्स और बच्चों की टी शर्ट्स थी, लोवर्स थे, और लेडीज़ के लिए सूट्स वगैरह थे, प्लाजो थे, शॉर्ट्स थे, मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। बट यहाँ पर क्या होता है कि कपड़े आपको सिलेक्ट करने होते हैं, थोड़ा टाइम आपका एक्स्ट्रा जाता है, बट थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो ये सेक्शन में लेडीज़ और जेंट्स जीन्सें थीं, जीन्स थी, लोवर्स थे। ये देखें, ये 200 की जीन्स थी, ये भी 200 की जीन्स थी, ये वाली जीन्स काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पर और भी वैरायटी पड़ी हुई थी, और उधर बच्चों के कपड़ों का कलेक्शन था काफ़ी सारा, जिसमें बेबी गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। और ये शॉर्ट्स था 50 रुपीज़ का, और ये एक वुलन ड्रेस थी, टॉप था 50 रुपीज़ का, और ये भी 50 रुपीज़ की जैकेट थी, और ये सूट था विदाउट लैगी 200 रुपीज़ का, ये भी 200 रुपीज़ का था, और ये काफ़ी प्यारा सूट था जो मुझे सबसे अच्छा लगा था, तो ये भी 200 का था, और ये कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी सूट पे, ये भी 200 का था। तो जी, अब हम जाने लगे हैं दूसरी मार्केट, तो वहाँ से मैंने ग्रैप्स लिए थे, और मैं यहाँ आ गई हूँ। सैंडल्स मुझे लेनी थी, मैंने सैंडल्स ख़रीदे हैं, और ये मैं दूसरी शॉप पर आ गई हूँ। यहाँ से लेना था मुझे कुर्ते के लिए कपड़ा, तो देखें यहाँ पर क्रॉकरी आइटम भी था, और दूसरी साइड पर ये ज्वेलरी की भी शॉप इसी में ऐड थी, इसी के अंदर ये ज्वेलरी की भी शॉप थी, और यहाँ से हमने लिया था कुर्ते का कपड़ा, जो काफ़ी सॉफ्ट था और काफ़ी अच्छा हमें मिल गया था। ये देखें, अब मैं इधर दूसरे सेक्शन की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर थे क्रॉकरी आइटम, ये थे 6 बाउल और 2 स्पून, और एक सर्विंग बाउल था, इसका सेट था 400 रुपीज़ का, ये भी सेम था, प्रिंट इसका डिफरेंट था थोड़ा, ये टी सेट था, और ये प्लेट्स काफ़ी अच्छी थी, हैवी भी थी, लाइट वेट नहीं थी बिल्कुल भी, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये बाउल्स के सेट हैं, और ये ग्लासेस के सेट हैं, 6 पीसेस। देखिए, और ये कप्स के सेट हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेम प्रिंट में कितने भी खरीद सकते हैं, 6 या 12, तो सेम प्रिंट मिल जा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि 6 पीसेस लेने हैं आपको, उसके बाद में वैरायटी नहीं है। और
फिर आपको डिफरेंट खरीदने पड़ते हैं। तो ये ग्लासेस का कलेक्शन था, ये सिंपल से ग्लासेस थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पर थोड़े बड़े थे बट अच्छे थे। तो ये देखें, ग्लासेस भी काफ़ी सारे थे, और ये टी शर्ट्स थी बच्चों की, और ये प्लाजो थे, ये लेगीज थी, और बच्चों की रेडीमेड ड्रेसेस भी थी यहाँ पर, ज़्यादातर गर्ल्स की। और ये रेडीमेड कुछ फ्रॉक्स थी, देखें। और ये उनकी खुद की अपनी चादर टंग रही थी यहाँ पर। और ये हमने खरीदा है कुर्ते का कपड़ा। तो जी, ये काम हमारा हो चुका है और हम अब शॉप से बाहर आ गए हैं। तो ये देखें, हम आ गए हैं मेरी फेवरेट जगह पर। मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, और जो कि मुझे कुछ नीड थी कुछ क्रॉकरीज की, तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी यहाँ से, तो बताना यहाँ का कलेक्शन कैसा लगा। ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी 4 लीटर में, कई साइज की कढ़ाइयाँ अवेलेबल थी विद लिड, वाटर बॉटल्स थी, जार थे, ग्लासेस थे, बाउल थी, और पैन थे, प्लेट्स एंड सर्विंग बाउल भी थे। और काफ़ी प्यारा आइटम था यहाँ पर। शॉप छोटी थी लेकिन वैरायटी अच्छी थी यहाँ पर। और यहाँ से जो क्रॉकरी मैंने ख़रीदी है वो मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद में हम थोड़ी देर बाद आ गए थे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरी नेक के लिए अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा एक्सरसाइजेज वगैरह, तो मुझे 2 दिन के बाद वापस से जाना पड़ता है। तो हम वहाँ से वापस आ गए हैं। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो हम पीने लगे हैं यहाँ पर गन्ने का रस। जो कि हम अभी वेट कर रहे हैं, वो फ्रेश फ्रेश निकाल कर दे रहे हैं गन्ने का रस। तो ये देखें, चीयर्स। और मेरे हस्बैंड वहाँ पर खड़े होकर पी रहे हैं। और मुझे कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा गन्ने का रस पीना ज़्यादा पसंद है, तो हम वहाँ से भी वापस आ गए हैं। उसके बाद आना था हमें मिठाई लेने के लिए। तो आज बाहर के भी काम काफ़ी सारे बढ़ गए थे, और मेरे हस्बैंड जल्दी इसलिए घर आ गए थे क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाना था, और ये सभी काम भी मेरे सारे कराने थे उन्हें, तो इसलिए आज वो फिर से जल्दी आना पड़ा था उन्हें। और ये मिठाई हम इसलिए लेने आए हुए हैं क्योंकि मेरे बेटे का कुरान मुकम्मल हुआ है, तो जिन्होंने मेरे बेटे को कलाम पाक पढ़ाया है उनके लिए हम मीठा ख़रीदने आए थे। और जिन्होंने मेरे बेटे को कलाम पाक पढ़ाया है उनके लिए इतनी सारी दुआएं दिल से निकल रही हैं, और आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दें, उन्हें कोई परेशानी कभी पेश ना आए किसी भी तरह की। अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे और उन्हें चैन सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और उनके पास काफ़ी सारे बच्चे
कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं, और काफ़ी सारे बच्चों ने उनके पास से हिफ्ज भी किया है। अल्लाह सबके बच्चों को इस काबिल बनाए। और देखें यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी थी मिठाई में भी। तो हमने सेलेक्ट करके ले ली थी, उसके बाद में मेरे बेटे को चाहिए थी चॉकलेट। तो आज हम दोनों इतने खुश थे कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट हमने फिर भी उसे मना नहीं किया चॉकलेट के लिए। तो ये मैं कुर्ते का कपड़ा लेकर आई थी, जो कि बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल सॉफ्ट था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसके साथ मैंने रुमाल रखा हुआ है जो कि स्क्वायर शेप में होता है, जेंट्स पहनते हैं इसको कुर्ते के साथ। तो ये मैंने ली थी वहाँ से क्रॉकरी, जो मैंने वहाँ पर नहीं शूट किया था। तो ये मैंने बड़ा वाला पहन लिया है, कोई ज़्यादा फूड आइटम बनाना हुआ तो उसके लिए। और ये एक मैंने दूध या फिर चाय वगैरह के लिए एक पैन लिया है छोटा, और ये एक मैंने सॉस पैन लिया है छोटा वाला, जो कि मीडियम साइज़ है, इससे छोटा भी एक आता है। तो ये रॉक्स की कंपनी का था, जो कि काफ़ी हैवी थे और इंडक्शन बेस्ड थी, इंडक्शन पे भी हम यूज़ कर सकते थे इन प्रोडक्ट को। कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा पेन ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देखें छोटू सी मनी प्लांट, और ये भी बॉटल में हमने डाली हुई हैं, और जिसमें से छोटा सा नया पत्ता निकल भी रहा है। तो जी वहाँ से आने के बाद हमने लंच कर लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था हमें बाहर और भूख भी लगी थी काफ़ी। तो पहले हमने लंच कर लिया है, उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और देखें फिर से काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, और दो बेडशीट्स और पिलो कवर्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक मैंने वॉश कर ली है और दूसरी मैंने डाली है इसमें, और एक यहाँ पर पड़ी हुई है। तो टोटल 3 बेडशीट्स मैंने धोनी थी, और थोड़े से कपड़े भी इकट्ठा हो ही गए थे। और आज भी कपड़ों में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे फिर से इकट्ठे हो गए हैं। अभी मैंने आधे तो मिनिमम वॉश कर ही लिए हैं, उसके बाद मैंने इन्हें डाल लिया है ड्रायर में। और ये देखिए मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं कपड़े। तो ये ड्रायर हो गए हैं बेडशीट्स, तो इन्हें मैं निकाल लूँगी। और ये सेकंड वाली बेडशीट है, और एक मैं सुखा चुकी हूँ। ये देखिए मैंने ड्रायर में डाल दिया है, और ये धुलने के बाद में काफ़ी भारी हो जाती है, और ड्रायर से निकालने के बाद में बहुत लाइट वेट हो जाती है, क्योंकि इसका सारा पानी ड्रेन हो चुका होता है।
काफ़ी लाइट वेट हो जाती है और ये क्लीन भी एकदम यूं ही हो जाती हैं, ज़्यादा इनमें वक्त नहीं लगता है। तो एक बेडशीट मैंने पहले ही वहाँ पर डाल के रखी थी और वो अब तक सूख भी चुकी है, तो मैं उसे नीचे उतार लूँगी। और मैंने दूसरी बेडशीट वहाँ पर डाल दी है, दोनों बेडशीट मैंने वहाँ डाल के उसके पिलो कवर्स वगैरह मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है लव एंड केयर लिक्विड सोप और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी। तो मैं कुछ नई टी शर्ट्स और टॉप लेकर आई थी जो कि मैं वॉश कर लूँगी एक बार, मैं ऐसे ही नहीं ट्राई करती हूँ, पहले एक बार वॉश कर लूँगी उन्हें तब आपको दिखाती हूँ मैं इन्हें कल। और वो पानी सारा गंदा हो चुका था मशीन का, तो वो मैंने सारा मशीन से निकाल दिया है बाहर, तो इन्हें मैं अलग से ही हाथ से धो लूँगी। तो इन्हें भी मैं ड्रायर में डाल रही हूँ जल्दी से वॉश करके। वो नए ही कपड़े थे तो उन्हें कोई ब्रश वगैरह नहीं लगाना था, कोई पानी से निकाल के ड्रायर में डालते जाऊंगी। तो इन्हें भी मैंने ड्रायर में डाल दिया है। ये मैंने मशीन का पानी निकाल दिया है, ये गंदा हो चुका था तो इसलिए वो कपड़े मैंने अलग धोए थे। तो ये भी ड्रायर हो गए हैं, मशीन भी मैंने धो दी है। कपड़े सभी मेरे धुल गए हैं और उसके बाद में मैंने मॉप भी लगा लिया था और उसके बाद में मैंने नहा भी लिया है। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो बर्तन फिर से इकट्ठा हो गए थे काफ़ी सारे, तो मैंने उन्हें वॉश किया है। उसके बाद में मैं किचन क्लीन करने लगी हूँ। उसके बाद मैंने खाने में बनाई थी एग करी, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज का व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।